નમસ્કાર શાંત કૃપા પરિવારમાં આપનું પ્રીતિ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 5 ની અંદર જે 16મું એકમ છે પ્રકરણ 16 છે પહેલા એટલે કે ઉખાણા વિશે જોવાના છે। આપણે ઓફલાઈન ની અંદર જોઈ ગયા છે છતાં પણ એક વખત રિપીટેડ કરવાનું છે પુનરાવર્તન કરીને એની અંદર જે સાજ્ય છે આપણે ખાસ જોવાનું છે। તો અહીંયા આપણું છે પહેલા યાની કે ઉખાણા। तो पहेलिया क्या होता है? तो पहेलिया से सबको पसंद आती है। क्या होते हैं? सबको पसंद आती है यानी कि उसको सुलझाने का सबको मजा आता है। तो पहेलिया वो सबको पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि पहेलिया समस्या या प्रश्नों के स्वरूप में होती है। पहेलिया दो तरह के होती है, जैसे कि प्रश्न के स्वरूप में और समस्या के स्वरूप में। तो उसको सुलझाना है, समझाना है। तो पहेलिया से हमारी क्या विचार शक्ति भी बढ़ती है, यानी कि हमारी जो विचार शक्ति छे आप ये पण वधे छे अने ज्ञान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है पहेलिया से ज्ञान में वृद्धि होती है, समझ शक्ति बढ़ती है। तो यह पहेलिया का उद्देश्य क्या है? तो पहेलिया के बारे में आप जानते ही है। तो पहेलिया हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 5 दिए गए हैं पहेलिया, वो देखेंगे, उसके बाद दूसरा भी देखेंगे, हम अपनी तरफ से बना के देखेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है, गोल गोल घर है मेरा, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो मुंह में खाओगे तो हो जाओगे मस्त। यहाँ पे दिया गया है तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में 106 पेज नंबर ऊपर आप तुम्हारे जवाब शोधवानुं छे, जे गोल गोल छे। हाँ, एटले तमने खबर पड़ी जशे एनो जवाब आवशे जलेबी। दूसरा दिया गया है, धरती पर मैं छिपता हूँ, आसमान छे शीश उठाता हूँ, आसमान छे यानी कि आकाश, शीश यानी कि मस्तक, टिकता हूँ पर चलता नहीं पाता, टिकता हूँ मगर मैं चल नहीं पाता, पैरों से मैं भोजन खाता। यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, उसका सबको मालूम ही है। आगे देखो, तीन अक्षर का नाम है मेरा, तीन अक्षर का ये नाम है, सिर के ऊपर मेरा स्थान यानी कि सिर यानी कि मस्तक, माथू ऊपर एनु स्थान छे, अंत कटे तो पग न बना जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं, तो एनो जवाब यहाँ आप्यो छे पगड़ी आप्यो छे। चौथु जो, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। यहाँ पे दिया गया है तो एनो झंडो छे एनो जवाब आवशे। अने छेलू पांचमू आप्यू छे वो देखो, कि कागज का घोड़ा, अभी अभी गया है जो कल देखा है उत्तरायण के बारे में वही बताया गया है कि मकर संक्रांति के बारे में। तो कागज है घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सब सलाम, यहाँ के पतंग। तो यह पतंग के बारे में बताया गया है इस पहेलिया में। और देखेंगे कि हम आगे जो कहा इकाई देख रहे थे उसमें मकर संक्रांति पतंग को कैसे लोग मनाते हैं वो भी देखना है, कि अलग अलग राज्य में उसके दूसरा दूसरा नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हम गुजरात में मकर संक्रांति, तो महाराष्ट्र में संक्रांत, जैसे कि लोहरी, म्यांमार में दूसरा नाम से जाना जाता है, ये सब देखना है। और अभी ये पहेलियां यहाँ पे 5 है, लेकिन दूसरी पहेलियां भी हम सुलझा सकते हैं। जैसे कि एक ऐसी चीज है जो फटती है मगर आवाज नहीं आती, तो उसका आंसर होगा, उसका जवाब होगा दूध। एक ऐसा है, ऐसी चीज है जो क्या अंधा भी देख सकता है, तो उसका होगा अंधेरा। ऐसे बहुत सारी पहेलियां जो सुलझाने में मजा आएगी। ऐसे आप लोग बच्चों, आप दो मित्र के साथ, सहेली के साथ, सहेलिया के साथ ऐसी पहेलियां उलझाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे दिया गया है स्वाध्याय में 107 नंबर, जो आपको नोटबुक में लिखना है, उसमें क्या है? पहले तो देखो, उसमें धरती आसमान यानी कि विलोम शब्द बताया गया है, उठा था गिरा था। उसके बाद वो जो भी है विलोम शब्द, उसका वाक्य प्रयोग करना है आप लोग को। दूसरा है पढ़कर समझिए, और उसमें समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द भी आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है, और ये सद्य पूर्ण करना है वस्तु।